तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक्चुअली दो तीन दिन से आप लोग मुझे इसी कपड़ों में देख रहे हैं, क्योंकि रात में सोने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आजकल यही मैं लगा रहा हूँ। बाकी अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो आज मैं व्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने जो पिछला वाला व्लॉग जो आप लोगों ने देख लिया है वो भी एडिट नहीं किया है, तो वो अभी मैं जाऊँगा जाके एडिट करूँगा घर पर। और अभी मैं आया था बाहर इस तरफ थोड़ा सा वॉक के लिए, और यहाँ बैठे बैठे कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। अभी 11:30 के आसपास हो रहे हैं नेपाल में, और इंडिया में टाइम हो रहा है 11:08 या 11:08। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर को, क्योंकि थोड़ा घर पे भी काम है वो भी निपटाना है, और उसके बाद में फिर ब्लॉग भी एडिट करना है। ब्लॉग एडिट करने के बाद में मैं ब्लॉग डालूंगा। तो आज ब्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मैं आज शायद 1 या 2 बजे के आसपास ब्लॉग आएगा, तो देखता हूँ। बाकी अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, आज थोड़ा लेट से कर रहा हूँ सब कुछ, तो कोई बात नहीं, कभी कभी लेट हो जाता है। यहाँ पे जो वेदर है कुछ इस तरीके से एकदम ठंडा हो रखा है, और सामने पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो ये क्लियर दिखते हैं पहाड़, बट अभी इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, और धूप तो यहाँ पे हार्डली 1-2 घंटे के लिए आती है। बाकी जिस जगह मैं हूँ वहाँ पे कुछ इस तरीके की रोड है, और ये अभी बनी हुई है, और जब रेन का सीज़न होता है, रेनी सीज़न में, ये पूरा रोड जो है वो ख़राब हो जाती है, और फिर इस तरह से मिट्टी करके यहाँ पे रोड बनाई जाती है। आज का प्लान यही है, क्योंकि कल जो मैं पहाड़ पे नहीं जा पाया था वहाँ पे मैं आज जाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि कल उसको सचिन को चोट लग गई थी उसके दांत से, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो आज वो स्कूल भी नहीं गया है, आज घर पे ही रेस्ट कर रहा है। तो जो छोटी बहन है सारिका, वो आज स्कूल गई है। स्कूल कुछ उस जगह पे है, यहाँ से दिखता है स्कूल, जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, तो वो आज स्कूल गई है बेचारी अकेले, और सचिन घर पे रेस्ट कर रहा है। अभी मैं जा कर के बस थोड़ा सा लंच बोलो या आप ब्रेकफास्ट बोलो वो करूँगा, और उसके बाद में मैं सीधा व्लॉग एडिट करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अभी जो भी होगा मैं अपडेट देता रहूँगा। वैसे आज का प्लान यही है कि मैं ट्राई करूँगा ऊपर जाने का, अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं ऊपर जाऊँगा, क्योंकि आई डोंट नो, अगर दिन में धूप निकलेगी तो वहाँ पर जो टाइम लैप्स है वो बहुत खूबसूरत आने वाला है। और आज ये 3 है ब्लॉग का, तो इस वजह से अभी मेरा थोड़ा सांसें चढ़ती हैं, क्योंकि ये जो ढाल है कैमरे में इतना नहीं समझ में आ रहा, बट ये बहुत ही स्टीप है, तो ये पूरा चढ़ के आना पड़ता है ऊपर, और अभी इससे भी ऊपर जाना है, और ज़्यादा ख़तरनाक वाली स्टीप वाली ढाल आने वाली है, तो अभी वहाँ से जाऊँगा। तो गाँव की लाइफ कैसी होती है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है ये व्लॉग आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो आप लोग, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड इन द विलेज लाइफ ऑफ नेपाल। और मुझे यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं लगता है, मुझे थोड़ी थोड़ी नेपाली भी आ गई है, तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। बाकी पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, एंड आपको वो लोग हेल्प भी करेंगे। सांस चढ़ने की वजह से कुछ इधर उधर हो जाता है। बाकी मैंने शायद पुराने व्लॉग्स में नहीं बताया, ये जो पेड़ है ये बहुत पुराने, आई डोंट रिमेम्बर, बट शायद ये 100-200 साल पुराने पेड़ हैं। और इस जगह पर ये जो जगह है, यहाँ पे नीचे से पानी आता है, इसको रूसे पानी बोलते हैं, नीचे से पानी का स्रोत है जो आता है,
और पाइप लगा के लोग इस तरह से घरों में अपने पानी लेके जाते हैं। और अभी घर जाने के दो ऑप्शन है मेरे पास, एक ये लंबा रास्ता लेकर के जाऊंगा और एक यहाँ पे पतला सा रास्ता है जंगल के बीच से, और ये कुछ ज़्यादा ही स्टीप है, तो मैं शॉर्टकट लेने वाला हूँ और मैं अभी इधर से जाऊँगा घर की ओर। अरे उन्होंने शायद ये पेड़ बीच में गिर गया है तो इसको जंप करके आना पड़ता है। अभी मैं पहुंच गया हूँ घर, और कल यहाँ पे ये लकड़ियाँ काट के रखी गई थी दोपहर के लिए। और ये मुर्गी फार्म बन रहा है, ऊपर में मुर्गियाँ होंगी, नीचे में यहाँ पे बकरे पाले जाएंगे। तो ये अभी नया बना है पिलर में, ताकि मैं फाइनली घर पहुँच गया हूँ तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा के उसके बाद में फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 इन द इवनिंग, और मैं आज दिन में आकर के सो गया था एक्चुअली खाना खाने के बाद में, तो अभी मैं जस्ट सो करके उठा। तो आई थॉट कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ घर में, तो मैंने अभी ये फ्रेश बंद गोभी आई थी तोड़ करके पीछे खेत से, तो उसकी सब्ज़ी आज बना रहे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मैं ये सब्ज़ी वगैरह काट के रख दूँगा और फिर फटाफट बनाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो डिनर टाइमिंग है वो थोड़ा अर्ली है, क्योंकि 7:30-8 o'clock तक सब लोग खा पी करके सो जाते हैं यहाँ पर, और लेट नाइट कोई भी नहीं जगता है। तो इस वजह से अभी 5:30 मतलब कि मैक्स टू मैक्स 2 घंटे बाद सब लोगों का डिनर हो चुका होगा और सब लोग सो चुके होंगे, तो उसी हिसाब से मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ये वेजिटेबल कट कर देता हूँ। तो ये मैंने कट कर दिया है, कुछ आलू बचे हुए हैं, तो आज इसी की सब्ज़ी बनने वाली है। फूड आई थिंक मैं ही बनाऊँगा आज, ये सब्ज़ी भी मैं ही बनाने वाला हूँ। बाकी खाने पीने का तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ठंड है उससे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत हो रही है एक दो दिन से, क्योंकि ठंड लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा लग रही। आज मुझे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, और मैं सोया भी हूँ काफ़ी अच्छा खासा, और अब कल मुझे एक दो काम है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ से दमौली जाऊँगा। और पिछले एक दो दिन पहले भी मैं दमौली गया था, मैंने ब्लॉग में शो किया था जिसमें मैं केक ख़रीदने के लिए गया था, बर्थडे पार्टी वाले ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो। तो मैं दमौली जाऊँगा, दमौली में मुझे एक दो काम है वो करने, एक आईपैड पड़ा हुआ है हमारे पास में उसको भी सही करवाना है, उसमें एप्पल आईडी नहीं बना पा रहे, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जो लेबर हैं वो बाहर काम वाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी काम ख़त्म हो गया है और उनका भी घर जाने का टाइम हो गया है। तो अभी मैं फटाफट से पहले ये तैयार करता हूँ और सब्ज़ी, उसके बाद में फिर देखते हैं और क्या है। जो आंटी हैं वो बाहर हैं, सचिन भी बाहर गया हुआ है, उसके चोट लगी हुई है, मेरे को टाइम मिला तो मैं दिखाऊँगा। वैसे आई डोंट प्रेफर शोइंग दैट क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल थिंग, बट अभी आज जो अभी जो बच्ची गई थी स्कूल सुबह में, सारिका, वो भी वापस आ गई है, सारिका स्कूल गई थी वो भी। मैंने उन्हें चाउ चाउ खिलाया था जो कि लोकल डिश है यहाँ पे, नेपाल में हर जगह आपको चाउ चाउ मिल जाएगा, और इंडिया के कुछ बॉर्डर्स में भी चाउ चाउ मिलता है, वैसे अंदर तो नहीं मिलता है, बट हाँ मैंने चाउ चाउ खाया है काफ़ी टाइम से। और एक टाइम पे मुझे पसंद था चाउ चाउ, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद था चाउ चाउ, बट एक टाइम बाद इतना मैंने खाया कि अभी आई ट्राई एंड अवॉइड। तो मैंने सबके लिए चाउ चाउ बना दिया था, बाकी अभी तो नहीं। और यहाँ पे एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, इधर गया। तो अभी ये सब काटते काटते मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग ही नहीं शूट किया आज, तो मैं सोता रह गया। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू गाइज अ क्विक अपडेट, अभी फटाफट से ये सब करता हूँ ख़त्म काम, और उसके बाद में आई माइट गो आउट इन द इवनिंग। अभी ऑलरेडी डार्क होने लगा है तो शायद थोड़ी देर बाद जाऊँ मैं,
मे बी विद इन हाफ एन आवर और समथिंग। तो मैं अगर गया तो मैं डेफिनेटली आई एम गोना शो यू गाइस। बाकी और एक ख़ास बात, यहाँ पर जो भी जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो मैं खाना खा रहा हूँ आजकल, बहुत ही मतलब ये ऑर्गेनिक होता है, कोई भी तरीके का कोई केमिकल कोई यूरिया कुछ भी नहीं पड़ा होता है खेत में। दिस इज़ समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स फॉर मी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्योर चीज़ें मुझे खाने को मिल रही हैं, जो एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो जीने का मौका मिल रहा है। तो आई एम ब्लेस्ड सो मच कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे आया और ये लाइफस्टाइल देखी, इसे मैं जी रहा हूँ, लिविंग दैट मोमेंट, और बहुत अच्छा लगता है सच में। एक बार आप लोगों को भी लाइफ में ट्राई करना चाहिए कि कभी ऐसी रिमोट लोकेशन में जा कर के बैठो, देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ। बाकी फिलॉसफी मैं किसी को कुछ नहीं समझाने वाला, यू गाइज आर केपेबल ऑफ थिंकिंग ऑल दोज थिंग्स। बाकी अभी काम काम काम, जीना हराम। अभी मैं काम करता हूँ, काम अपना फिनिश करता हूँ और डिनर टेबल पे मिलता हूँ डायरेक्टली आप लोगों को। अभी इट्स 6:08, ये इंडिया का टाइम है, और 6:30 हो रहा है इन द इवनिंग। तो अभी हम लोग डिनर कर रहे थे सब लोग साथ में बैठ करके, इधर सचिन है डिनर कर रहा है, इधर सारिका भी है डिनर कर रही है, और ये मेरा डिनर है आज के लिए। तो अभी 6:30 इन द इवनिंग और हम डिनर कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी अर्ली डिनर कर रहा हूँ, और इतनी जल्दी तो मैं कभी भी डिनर अपनी लाइफ में कभी नहीं किया होगा शायद से। बट अभी यहाँ आने के बाद में लाइफस्टाइल चेंजेस लॉट, और अब यहाँ से आज के दिन का एंड होता है। मैं अभी आज शायद रात में बैठ करके व्लॉग एडिट कर लूँगा, क्योंकि मुझे आज व्लॉग डालने में बहुत लेट हो गया था। मैंने जो लास्ट व्लॉग आपने देखा वो मैंने काफ़ी लेट में डाला है, आई थिंक 5 या 5:30 बजे के आसपास मैंने वो अपलोड किया है। तो आज रात को आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपना जो व्लॉग है वो आज एडिट कर लूँ, जिससे कि मुझे कल अर्ली मॉर्निंग व्लॉग आ जाए टाइम पर। मैं ट्राई कर रहा हूँ 9:30 बजे तक के व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगा, और मे बी समवॉट लेटर 10 or 10:30। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ओम।